प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को किसानों और छोटे व्यापारियों को बड़ी सौगात दी। पीएम ने मुद्रा बैंक की शुरुआत कर दी है। अब सभी छोटे व्यापारियों को आसानी से लोन मिल जाएगा। मुद्रा बैंक के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक की स्थापना के पीछे सरकार का मकसद ये है कि छोटे व्यापारियों को आसानी से लोन मिले और उससे जुड़े कामगारों को रोजी रोटी की समस्या ना हो। इसके साथ ही पीएम ने किसानों को भी आज बड़ी सौगात दी है। किसानों को अब 33% फसल नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा। पहले 50% फसल बर्बाद होने पर ही मुआवजा मिलता था। स्वरोजगारी के अवसर बढ़ाने चाहिए। देश की इकोनॉमी को ताकत देने वाला जो पायरी पर जो लोग हैं उनकी शक्ति को समझना चाहिए और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। वो कुछ गिरवी रखे तब मिले, तो उसके पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कि उसका ईमान। उसकी सबसे बड़ी पूंजी है उसका ईमान। ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी एक सुझाव था कि साहब ये नॉर्म्स बदलना चाहिए। हमारे मंत्री ये भी जाकर के आए, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है कि अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा। दिल्ली में मुद्रा कार्ड की लॉन्चिंग के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को राहत के लिए घोषणा तो की, तो राजस्थान में भी बीजेपी नेताओं के चेहरे खिल गए। पीएम मोदी ने कहा कि किसी किसान का फसल खराबा 33% से ज्यादा हुआ तो उसे मुआवजा मिलेगा। प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रदेश के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और आपदा राहत मंत्री गुलाब सिंह कटारिया ने खुशी जताई है। उन्होंने इसे किसानों के लिए बड़ी राहत बताई। इसको बढ़ाकर 50% से लेकर अब 33% तक हुए नुकसान को 1.5 गुना मुआवजा देने की घोषणा की गई है। ये पूरे देश के किसानों के लिए एक सौगात के रूप में काम होगी। एक बहुत बड़ी जो किसानों की उम्मीद थी, और राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाए थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के नियमों में इसका बदलाव होना चाहिए, और जो बदलाव हुआ है ये निश्चित रूप से राजस्थान और पूरे देश के किसानों के लिए एक सौगात के रूप में देखा जाए। हमने जो भेजा यहाँ से, हमने 25% से ऊपर वालों को देना चाहिए, और मैं सोचता हूँ अगर वो 33% के ऊपर भी देते हैं तो ये हमारा प्रयास काफी सफल रहा है कि जो हमने एफर्ट्स किया, जो आज तक 50 साल तक जिस पार्टी ने राज किया वो 50 से 49 नहीं कर सकी, और हमने पहली बार में प्रयास। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें सवाई माधोपुर और दौसा की हैं, जहां किसानों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। लगातार हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश में किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और किसानों को मुआवजा देना तुरंत शुरू कर दिया है। दौसा जिले में बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसलों का मुआवजा देने का काम शुरू हो गया है। 50% से अधिक खराबे वाले लगभग 8,500 किसानों को 3 करोड़ रुपए मुआवजे के चेक से वितरित किए जा रहे हैं। जिले के लवाड़ और दौसा क्षेत्र के 37 गांव में मुआवजे की रकम किसानों तक पहुंच गई है। वहीं 50% से कम नुकसान वाले किसानों के लिए नुकसान का सर्वे कर मुआवजे के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जा रही है। ऐसे में कम नुकसान वाले किसानों को भी मुआवजे की आस लगी है। सवाई माधोपुर में बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसलों के नुकसान पर किसानों को मुआवजा बांटना शुरू हो गया है। सरकार के आदेश के मुताबिक किसानों को असिंचित भूमि पर 4500 रुपए प्रति हेक्टेयर, बिजली और नहर से सिंचित भूमि पर 9000 रुपए प्रति हेक्टेयर और डीजल से सिंचित भूमि पर 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने जिले किसानों के लिए 14,39,59,000 रुपए की राशि आवंटित की है।
बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुके किसानों ने चुरू जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार मुआवजा देने में भेदभाव कर रही है। सरकार उन किसानों को ही मुआवजा दे रही है जिनके खेत 2 हेक्टेयर तक है, जबकि चुरू में किसान के खेत 10 हेक्टेयर से भी अधिक है। हालांकि किसानों ने मुआवजे को 1.5 गुना बढ़ाने और 33% खराबे वाली फसल पर मुआवजा देने की सरकार की घोषणा का स्वागत किया है, लेकिन उनकी मांग है कि 2 हेक्टेयर तक खेतों वाले किसानों को ही मुआवजा देना चुरू के किसानों के साथ नाइंसाफी है। राज्य सरकार जनहित में किए गए आंदोलनों के दौरान जनप्रतिनिधियों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेगी, यह जानकारी विधानसभा में गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने दी। विधानसभा में गृहमंत्री ने सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा कि साल 2009 से अब तक कुल 318 मामले दर्ज हैं और इसमें से 101 मामलों में विधायक और कुछ सांसदों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि जन आंदोलन से संबंधित मामले चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य के हों वापस लेने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इनमें गंभीर प्रकृति के मामलों को छोड़कर सामान्य प्रकृति के मुकदमे ही वापस लिए जा सकते हैं। विधानसभा में गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने स्वीकार किया है कि न केवल बांग्लादेशी बल्कि कई पाकिस्तानी नागरिक भी अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे हैं। राजधानी जयपुर में तो कई बांग्लादेशी नागरिकों ने राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवा लिए हैं, जो पहले में चलाए गए अभियान में ऑन रिकॉर्ड भी आ चुके हैं। गृहमंत्री ने घुसपैठिए बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित करने के लिए विशेष अभियान चलाने का ऐलान किया। गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान पुलिस मुख्यालय में पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में क्राइम के लगातार बढ़ते ग्राफ पर चर्चा की गई और क्राइम रेट का वार्षिक आकलन भी किया गया। कटारिया ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल अपराध के ग्राफ में कमी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे में चल रही पुलिसकर्मियों की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। अभी ये जो 3 महीने निकले हैं जनवरी फरवरी मार्च, इसमें क्राइम काफी घटा है, लगभग 14% 2014 के 3 महीने से 15 के 3 महीने में 14% क्राइम कम हुआ है। रिकवरी का परसेंटेज बढ़ा है, सजा का परसेंटेज बढ़ा है, पेंडेंसी हमारी काफी कम हुई है। 19 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में लैंड बिल के खिलाफ कांग्रेस की किसान रैली है। इस रैली के लिए राजस्थान कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। राजस्थान कांग्रेस को रैली के लिए 25,000 कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का टारगेट मिला है। दिल्ली रैली में राजस्थान से भीड़ जुटाना कांग्रेसी नेताओं के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। आज गुटबाजी की वजह से टारगेट पूरा करने में नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। सलमान खान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सीजीएम ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां वन विभाग के अधिकारी एमएल सोनल के बयान दर्ज किए गए। वहीं कोर्ट ने वन विभाग के माल खाने से 3 रजिस्ट्रों को पेश करने के आदेश दिए हैं। इसी के चलते गुरुवार फिर इस मामले में सुनवाई होगी और गवाह एलएल सोनल के बयान जारी रहेंगे। वहीं अवैध हथियार रखने के मामले में हाईकोर्ट के स्टे के चलते सुनवाई नहीं हो सकी और अब इस मामले में सोमवार को फिर सुनवाई होगी। सरकार के प्रकरण में जब आज एमएल सोनल के बयान होने शुरू हुए और जिले में जब हमने पूछा कि देखिए आपने इस पर्टिकुलर लेटर पर जो आवक जावक रजिस्टर के नंबर बताए गए हैं ये फर्जी है, तो गवाह ने देखकर कहा कि ये फर्जी है, ये असली है, मैं ये रजिस्टर देख के बता दूं। मतलब गवाह भी निश्चित नहीं है कि ये असली है, वन विभाग का गवाह है, उच्च अधिकारी है, फिर भी उन्होंने कहा मैं रजिस्टर देख के बता सकता हूँ। तो हमने निवेदन किया कि एक तो आवक जावक रजिस्टर, एक FIR दर्ज करने का रजिस्टर और एक मालखाना रजिस्टर, तीनों मंगाए जाए, उसके बाद हम जिरे करेंगे। अदालत ने तीनों ही रजिस्टर पेश करने के आदेश दिए। जोधपुर सेशन कोर्ट में आसाराम के यौन शोषण मामले में बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आसाराम को सेशन कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट में गवाह अजय कुमार के बयान दर्ज किए गए। अजय सिंह आसाराम का पूर्व सेवादार रहा है और आसाराम से जुड़े कई राज का जानकार है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। सुनवाई के कोर्ट से बाहर निकलते हुए आसाराम ने कहा कि उनके जन्मदिन पर साधक सफाई अभियान शुरू करेंगे, जो अच्छा काम है। सफाई अभियान बहुत सुंदर है, तो मेरे भक्तों को मैंने बोला है सब जगह करेंगे, बाहर की भी सफाई हो, विचारों की भी सफाई हो, वातावरण में सहानुभूति, सज्जनता, सद्भाव का ये भी माहौल है। आप भी जेल में सफाई करेंगे क्या बाबू? अरे हम तो रोज सफाई करते हैं।
घर में और ऐसे पेड़ पौधे लगाए कि आने वाले देखने वाले रह जाए। बीकानेर में पीपीएम अस्पताल के अधीक्षक और 3 डॉक्टरों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा 1 नर्सिंग कर्मी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बता दें कि घाव में कीड़े पड़ने के बाद अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इस मामले में मरीज के परिजनों ने कोर्ट में एक इस्तगासा पेश किया, जिस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। जयनारायण व्यास कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति की पीबीएम अस्पताल के आईसीयू में कीड़े पड़ने के बाद 19 मार्च को मतलब डॉक्टर को जो जांच कर रहे हैं डॉक्टर उनको तो पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए हमने कोर्ट के शरण में गए और कोर्ट में इसका सदारी किया, आगे जांच चल रही है, उसके बाद में देखते आगे क्या। जिनकी भी ड्यूटी थी उस 4-5 दिन के पीरियड में उन सब के मतलब खिलाफ हमने नाम उनका मालूम नहीं है, मालूम कर लेंगे ड्यूटी किस किसकी थी उनके खिलाफ सबके खिलाफ किया। नागौर में जिला उपभोक्ता मंच ने ब्रिटानिया मैरीगोल्ड कंपनी पर 35,000 का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मंच ने 40 रूपये के ब्रिटानिया मैरीगोल्ड बिस्किट के पैकेट में 87 ग्राम बिस्किट कम पाए जाने के बाद जुर्माना लगाया है। परिवादी को मानसिक शारीरिक और आर्थिक क्षति के रूप में 20,000 रूपये का जुर्माना कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर और जिंदल स्टोर पर लगाया गया है। साथ ही परिवाद व्यय के लिए 15,000 का जुर्माना भी देने का जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मैनेजमेंट ने फैसला सुनाया है। एक लग्जरी पान दुकान के पास नंदकिशोर तिवाड़ी नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बिस्किट का पैकेट ब्रिटानिया कंपनी का 400 ग्राम का परचेज किया था। उसमें जब वो घर पर लेके आया तो उन्हें ऐसा लगा कि उसमें कम से कम वेट कम है, और जो वेट होता है उस वेट के अनुसार जो माल नहीं दिया जाता है उस निर्दोष को मानते हुए कोर्ट ने कंपनी पर 20,000 रूपये का जुर्माना लगाया। जयपुर के शिप्रापट थाना पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस के हत्थे चढ़े मुख्य अभियुक्त राजीव खुद को एडिशनल एसपी बताता था और व्यापारियों को अपने ठगी के जाल में फंसा लेता था। दोनों अभियुक्तों ने मिलकर राजस्थान में 8 से 10 वारदातों को अंजाम दिया है। दोनों अब तक करीब 10 लाख का चूना लोगों को लगा चुके हैं। पकड़े जाने के बाद आरोपी महिला ने थाने में जमकर हंगामा मचाया। बता दें कि मुख्य आरोपी राजीव इससे पहले भी जेल जा चुका है, जिसे उसके महिला साथी ने जमानत देकर छुड़वाया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कल इन्होंने अनिल शर्मा जी ने कल मुकदमा दर्ज करवा दिया, आज हमने इनको ट्रेस कर लिया है तो मालूम चला है कि इन्होंने कोटा में, बीकानेर में, मालपुरा में, चित्तौड़गढ़ में, हनुमानगढ़ में इस तरह इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। डिटेल तो अभी तक तो जैसे हमारे पास में 4 थानों की डिटेल आई है, 3 थानों की, क्योंकि आज तक ये कभी पकड़े नहीं गए हैं। उसके बाद में ये राजीव जैन पहले धोखाधड़ी के मामले में जेल गया हुआ है, जो जुलाई को ही छूटा है। हनुमानगढ़ में शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों में गोरख धंधे का खेल जारी है। निजी स्कूलों ने अपनी कमाई का नया तरीका खोज निकाला है। जिले भर के निजी स्कूल अपने स्कूल में ही किताब बेच रहे हैं या फिर बाजार में किसी दुकान से सेटिंग कर स्कूल की किताबें बेचने का गोरख धंधा शुरू कर रखा है। दुकान पर जहां किताब की कीमत सामान्य तौर पर 80 रूपये होती है, उसी किताब पर स्कूल अपना नाम छपवा कर उसे 300 रूपये में बेच रहे हैं। स्कूलों की इस मनमानी से अभिभावक काफी परेशान है। तो धंधा तो क्या है सर, हम भी मजबूर हैं इसमें, स्कूल वाले भी डिमांड करते हैं और किसी स्कूल को ये कहते हैं कि आप हमसे बुक खरीदें तो वो हमसे डिमांड करते हैं, तो इसलिए हमें इनको मैक्स रेट बढ़ा के देने पड़ते हैं। 15% स्कूल वालों को देने पड़ते हैं, 15% ऊपर भी जाता है जिस कंपनी की बुक्स होती हैं, तो हमारे अनुसार फिर स्कूल वाले भी वही बुक लिख के देते हैं जो हम बोलते हैं, तो इसलिए इनको मोटा कमीशन देना। जयपुर के झोटवाड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शिवाजी कॉलोनी से 14 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। साथ ही पुलिस ने मौके से बिहार के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो बिहार और झारखंड से बच्चे लाने का काम करता था। मुक्त कराए गए बच्चों से चूड़ी कारखाने में काम करवाया जाता था। सभी बच्चे बिहार के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 8 से 11 साल के बीच है। बच्चों ने बताया कि उनसे 12 घंटे से भी ज्यादा काम करवाया जाता था और काम नहीं करने पर बेरहमी से पीटा जाता था। खाना भी सिर्फ एक वक्त दिया जाता था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है।
आज सूचना मिली थी कि शिवाजी नगर क्षेत्र में, ये अपने झोटवाड़ा में शिवाजी नगर है वहाँ पर, और एक मोहम्मद अब्बू सिद्दीकी नाम का व्यक्ति है जो बिहार का रहने वाला है और यहाँ चूड़ी का छोटा एक उसने वो लगा रखा है कारखाना, और जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चों के से और वो मजदूरी कराई जा रही है। वहाँ जाकर के देखा तो ये नागौर पुलिस ने हार्डकोर अपराधी आनंदपाल सिंह को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कुचामन सिटी सीओ ऑफिस को छावनी में तब्दील किया गया था। पूछताछ के बाद आनंदपाल को कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया। नागौर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डीडवाना में हुए जीवनराम गोदारा हत्याकांड के मुख्य गवाह इंद्रचंद्र का अपहरण दिसंबर महीने में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के इशारे पर ही हुआ था और अब पर्वत सर में हुई फायरिंग की वारदात सहित डेगाना इलाके में फर्जी रूप से थाना संचालित करने के मामले में हार्डकोर अपराधी आनंदपाल सिंह गैंग का नाम आया था। मिर्ता सिटी पंचायत समिति में दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। ढावा के सरपंच पति और जेठ पर 20 से 25 लोगों ने हमला कर दिया। सभी हमलावर हथियारों से लैस होकर गाड़ियों में आए थे। हमले में ढावा के सरपंच पति और जेठ घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए मिर्ता सिटी राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को सरपंच चुनाव में मिली हार से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बूंदी के हिंडौली में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वाक्य हरिपुरा गांव का है जहां आम रास्ते में जानवर हटाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी और धारदार हथियार चले। इस झगड़े में एक गर्भवती महिला समेत तीन लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। घटना की जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हिंडौली थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे जानवरों को पानी पिला रहा था, उधर से वो आया तो लाठी बजाई मेरे ऊपर, लाठी बजाया था, मैंने उसकी लाठी रोकी था, हमारी मरकी छीन के भाग गया और वो महिला गए, गर्भवती महिला का भी दो चार लटबाजी करी, महिला गिर गई। फतेहपुर शेखावटी के 40 से ज्यादा श्रमिक मस्कट की इंटरनेशनल कंपनी में फंसे हुए हैं। इन श्रमिकों को ना तो सैलरी मिल रही है और ना ही सुविधाएं। परेशान श्रमिकों ने भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई है। मामला मस्कट की इंटरनेशनल कंपनी सलाला हिचकी से जुड़ा है जिसमें 300 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। इनमें से 100 श्रमिक राजस्थान के रहने वाले हैं जिनमें सीकर, चुरू और झुंझुनू के लोग शामिल हैं। कंपनी के श्रमिकों को पिछले 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हर तरफ से निराश हो चुके श्रमिकों को सरकार से मदद की दरकार है। दौसा में आज पानी को लेकर अच्छा खासा बवाल हो गया। पूरा मामला शहर के सोमनाथ नगर का है जहां पानी की मांग के लिए महिलाएं सड़कों पर उतर आई। गुस्साई महिलाओं ने आगरा रोड पर जाम लगा दिया। महिलाओं की माने तो पिछले 10 दिनों से उन्हें पानी की भीषण किल्लत हो रही है। भीषण पेयजल संकट को लेकर लोगों ने सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर यह जाम खुलवाया। बहरहाल प्रदर्शन के बाद जलदाय अधिकारी जल्द ही पेयजल आपूर्ति बहाल होने की बात कह रहे हैं। सिरोही में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहराने लगा है। टंकी होने के बावजूद लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मामला गोलिया गांव का है जहां स्वजल धारा योजना के तहत साल 2003 में पानी की टंकी बनवाई गई थी। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि टंकी बन जाने के बाद उन्हें पीने का पानी मिलेगा लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी टंकी से पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। स्थानीय लोग इस बारे में जलदाय विभाग से कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। और पहले तो अकाल भी पड़ गई, यहाँ पे तो हैंडपंप भी थे वो भी खत्म हो गए, टूट गए, उसके देखने वाले भी कोई नहीं है। और ये कितने अधिकारी आए यहाँ पे, कलेक्टर आए, SDM आए और जिला अधिकारी आए, सबको
यहाँ पे मीटिंग हुई और सबके सामने ये प्रस्ताव रखा गया, तभी कोई इसकी कोई देख रेख नहीं हुई। और अभी भी आधा किलोमीटर एक किलोमीटर दूर जाकर के मटरों में लोग पानी लेके आते हैं तो उनकी प्यास बुझती है। जयपुर की आमेर तहसील के नींदा गांव की आबादी और सिंचित भूमि को जेडीए की ओर से अधिग्रहण करने के विरोध में नींदड़ बचाओ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने उद्योग मैदान में प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति का कहना है कि जमीनों के दाम बढ़ने के साथ ही जेडीए की नजरें गरीब किसानों की जमीनों पर है। जेडीए अधिकारी किसानों की जमीनें अधिग्रहण कर भू कारोबारियों को ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं, ऐसे में किसानों को नुकसान हो रहा है। नींदड़ बचाओ संघर्ष समिति ने जेडीए की कार्यवाही को अवैध बताते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल यहां एक युवक टावर पर चढ़ गया और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगा। युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की है। वहीं खबर मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से उतारा गया। कार्रवाई की लिखित आश्वासन के बाद युवक माना, तब जाकर इस युवक को टावर से उतारा जा सका। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय शाम होने के बाद मैखाना बन जाता है। रात के अंधेरे में मिनी सचिवालय शराबियों की मौज मस्ती का अड्डा बन जाता है। सुबह विभाग के चपरासी शराब की खाली बोतल उठाने पर फेंकने में लग जाते हैं, इसके बाद ही विभाग का काम शुरू हो पाता है। मिनी सचिवालय में 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं, लेकिन ये सारे सुरक्षा इंतजाम शराबियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं इस मामले में जब जिला कलेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। और अगली खबर सुमेरपुर की है, जहां एक विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पूरा घटनाक्रम कस्बे के तखतगढ़ के अनूपपुरा गांव का है। यहां एक महिला ने 6 लोगों के खिलाफ थाने में सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया गया। पीड़िता की माने तो उसके बाथरूम में नहाते वक्त एक पड़ोसी महिला और उसकी बेटी ने पहले फोटो खींच ली और फिर ब्लैकमेलिंग कर उसे नशीला पदार्थ खिला दिया। बेहोशी की हालत में आरोपी महिला को मुंबई ले जाया गया, जहां महिला के साथ 4 लोगों ने रेप किया। पुलिस के मुताबिक चारों रेप के आरोपी गांव ढारिया के रहने वाले हैं। बहरहाल पीड़िता की रिपोर्ट पर गांव की एक महिला और उसकी बेटी समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रतापगढ़ के केशव माधव नगर की महिलाएं बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंची और एक मनचले युवक को पकड़ने की गुहार लगाई। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महिलाओं की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि उस मनचले शख्स को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि इन दिनों केशव माधव नगर की महिलाएं एक मनचले शख्स से छेड़छाड़ से खासी परेशान हैं और मनचले ने मोहल्ले की महिलाओं की नाक में दम कर रखा है। हालत इतने खराब है कि ये महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी हैं। भीलवाड़ा में रेडीमेड गारमेंट की दुकान में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव अपने कब्जे में ले लिया। घटना सिंधु नगर इलाके की है, जहां दीप कलेक्शन की मालकिन गुरप्रीत कौर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। गुरप्रीत कौर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। सूचना मिलते ही एसपी हेमंत शर्मा और एएसपी ज्योति स्वरूप शर्मा मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। श्रीमती गुरप्रीत कौर की गला काट के उनकी दुकान में ही हत्या कर दी गई, जिसकी जांच हम अभी कर रहे हैं और इसको जो भी सारे एंगल्स हो सकते हैं उन पर तहकीकात कर रहे हैं। अभी तो बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे है, अभी कोई डेफिनेट बात हम कह नहीं सकते कि कैसे हत्या हुई है और किसने की है, तब इस पर हम वर्क कर रहे हैं। भवानी मंडी में चोरों ने सोने मकान पर धावा बोलकर लाखों के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चोरी की वारदात गौतम नगर इलाके में घटी, जहां एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए राजगढ़ गया हुआ था। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर चोर घर में दाखिल हुए, अलमारी में रखे 4 लाख के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है।